छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल आपको बताते हैं। यहाँ पर सरगुजा संभाग के कई जिलों में बारिश हुई है। हालांकि कई जिले ऐसे हैं जहाँ आंधी चलने की संभावना जताई गई है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा, इसके साथ ही जशपुर, पेंड्रा रोड, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ में मौसम बदलने की संभावना है। हालांकि छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले जहाँ बारिश शुरू हो चुकी है, अचानक शुरू हुई बारिश जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन तेज आंधी तूफान के चलते परेशानियां भी हो रही हैं। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुख करते हैं संवाददाता दामिनी बंजारे, हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। दामिनी, छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो अचानक मौसम बदला है, कई जगह परेशानियां भी लोगों को हो रही है, कई जगह पर राहत क्योंकि गर्मी से निजात मिली है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है, किस तरह की तस्वीरें? मौसम ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में मिजाज जो है वो बदला नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग आंकड़े जारी कर रही है कि लगातार कई जिलों में बारिश की जो संभावना है वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज भी एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें उन्होंने बिलासपुर, कोरबा, कोरिया और सूरजपुर, जसपुर जो एरिया है, जिस तरीके से जितने भी एरिया उनसे लगे हुए जिले हैं, उन सभी जिलों में बारिश की संभावना जो है मौसम विभाग ने जताई है। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में जहाँ दिन में कड़की जो धूप होती है वो धूप लोगों को परेशान करने वाली होती है, चिलचिलाती धूप में लोग यहाँ पे काम करते हैं, जिसके बाद शाम का जो मौसम है वो एक तरह से ठंडा जो है वो महसूस होता है, क्योंकि रात में दो दिनों से जिस तरीके से अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है, जिसका सीधा प्रभाव जो है राजधानी में भी देखने को मिल रहा है। रात के समय में राजधानी का जो मौसम है उसकी वजह से ठंडक जो है राजधानी वासियों को, रायपुर वासियों को देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें सरगुजा और बिलासपुर में, तो बारिश जो है वो लगातार इन जिलों में हो रही है और सरगुजा संभाग के कई जिलों में अभी कुछ घंटे पहले भी बारिश हुई थी और बीते चार घंटों में अभी मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि चार घंटों के अंदर में बिलासपुर, पेंड्रा रोड और जिस तरीके से सरगुजा, जसपुर जो एरिया है, इन सभी जगहों में भी बारिश जो है वो होने को है, जिसके लिए कि मौसम विभाग ने भी आंकड़ा लगातार जारी करी है, जिसमें आज भी उन्होंने मौसम विभाग ने आंकड़ा जारी किया जिसमें उन्होंने ये बात कही है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में भी दो तीन दिनों से बारिश जो थी वो टिपटिपाती जो है कुछ कुछ जगहों में हुई भी थी, लेकिन आज राजधानी रायपुर में बारिश तो नहीं, बट अभी भी जो मौसम है वो ठंडा नज़र आ रहा है। अभी भी राजधानी का मौसम जो है, अभी भी शाम होते होते भी मौसम जो है वो ठंड हो चुका है, हवाएं जो है वो ठंडी चलने लगी है। ये हो सकता है तो कुछ कुछ जिलों में जहाँ पे वर्षा हो रही है उसका जो प्रभाव है, उसका जो असर है वो राजधानी में भी देखने को मिल रहा है। लगातार मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जो मौसम है वो एक तरह से जिस तरीके सीजन मतलब बरसात का शुरू होता है उससे पहले जो है वो आने की संभावना भी उन्होंने बताई थी, जिसमें वो 26 जून के आसपास जो उन्होंने बोला था, तो मई के बाद एंडिंग में मौसम जो है ठंडा जो है, वर्षा जो है वो प्री मॉनसून से कहेंगे दामिनी, प्री मॉनसून जिसने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के कई जिले, कई हिस्से ऐसे हैं जहां इस वक्त बारिश हो रही है और उसी का असर हम राजधानी रायपुर में भी देख रहे हैं। ठंडी हवाएं चल रही है और प्रदेश में राजधानी रायपुर में ठंडक घोल दी है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश